इस सेशन में हम लोग 30 और 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड पहल द इनसाइटफुल हाउस जर्नल ऑफ इट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट। उत्तर रहेगा इसका इरेडा, IREDA। अब चलिए हम लोग इरेडा के ऊपर में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये है क्या, इसका फुल फॉर्म जानेंगे, इसका फाउंडेड डे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इरेडा का जो फुल फॉर्म होगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फाउंडेड 1987, हेडक्वार्टर तो इंडिया ही रहेगा, इंडिया। ऑनर की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% हिस्सा रहता है इसमें। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी एट द सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम इन दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, ये आप सभी को पता है। अर्जुन राम मेघवाल, ये है मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस। डीवाई चंद्रचूड़, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो रहेंगे जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर कोर्ट आ गया है तो कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल जो हाई कोर्ट होगा भारत पे, हाई कोर्ट जो होगा टोटल 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में रहता है। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये कुछ और भी जानकारी मोदी के ऊपर है। पीएम मोदी रिलीज्ड कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प बुक ऑन राम टेम्पल। इन्होंने इनोग्रेट किया बॉइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन बेंगलुरु, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले वर्ड वीडियो में। इन्होंने इनोग्रेट किया 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र। यूथ फेस्टिवल आप लोग जानते हैं, ये आपके विवेकानंद जी के जन्म अवसर पर मनाया जाता है। इन्होंने इनोग्रेट किया, लेड द फाउंडेशन स्टोन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 30,500 करोड़ रुपीज इन महाराष्ट्र। कोची लक्षद्वीप आइलैंड में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का भी इन्होंने इनोग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच सिटी विल होस्ट 7th एडिशन ऑफ इंडियन रबर मीट IRM 2024 ऑन 23 फरवरी। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन जनवरी 2024 विच बैंक हैज रेज्ड 5,000 करोड़ थ्रू द इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर मैं थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फाउंडेड की बात करेंगे, 20 जुलाई
1908। इसके बाद हेडक्वार्टर की बात करेंगे। हेडक्वार्टर्स जो रहेगा वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात। इसके बाद चेयरमैन की बात करेंगे हम लोग। चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। अधिया ठीक है। एमडी एंड सीईओ की बात करें देवदत्ता चंद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जेडीयू प्रेसिडेंट नीतीश कुमार टुक ऑथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर ए रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर ड्रामेटिक बोल्ड फेस। कितने बार चीफ मिनिस्टर वो बन गए हैं बिहार के हैं? वो रहेगा 9वां बार। ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर है, याद रखिएगा, नीतीश कुमार, जनता दल यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन 75th रिपब्लिक डे। 75वां रिपब्लिक डे के ऊपर में इन्होंने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन रहेगा पी 80। आइए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो हम लोग पढ़ लेते हैं। अप्रूव किया है प्रेसिडेंट ने, क्या है? 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल याद रखिएगा, 2 बार 2 एंटी विशिष्ट सेवा मेडल, 59 एंटी विशिष्ट सेवा मेडल, 10 युद्ध सेवा मेडल, 8 बार 2 सेना मेडल्स, 38 सेना मेडल्स, 10 नौ सेना मेडल्स, 14 वायु सेना मेडल्स, 5 बार 2 विशिष्ट सेना मेडल, 130 विशिष्ट सेना मेडल। इतने सारे जो है गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में व्यक्तियों को, किसके द्वारा? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच एयरपोर्ट has been selected for the prestigious excellence award by Quality Circle Forum of India in recent National Convention on Quality Concepts 2024 in Nagpur, Maharashtra. Option number D, Thiruvananthapuram International Airport. Thiruvananthapuram International Airport जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which IIT scholars has achieved best product design? किस कैटेगरी में? वाटर और सैनिटेशन के कैटेगरी में एट द प्रेस्टिजियस विश्वकर्मा अवार्ड 2023 में। IIT ऑप्शन जाएगा आपका IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Who has been awarded वायु सेना मेडल फॉर gallantry ऑन 75th रिपब्लिक डे अवार्ड? निकिता मल्होत्रा को, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए कुछ और भी अवार्ड पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 16 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को मिला। यूपी गौरव सम्मान डॉक्टर रितु क्रिधाल श्रीवास्तव एंड नवीन तिवारी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई BCCI रवि शास्त्री, याद रखिएगा। पोली उमरिंगर अवार्ड फॉर बेस्ट मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाई BCCI शुभमन गिल। फोर्थ विंग्स इंडिया अवार्ड इन द सिविल एविएशन सेक्टर बेंगलोर एंड दिल्ली एयरपोर्ट। ये सारे के सारे मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट करवा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2027 फाइनल? कौन करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इंग्लैंड करवाने जा रही है 2027 में। अब आइए ICC के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट।
इसके अलावा इट वॉज फाउंडेड द इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में, इसे इम्पेरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, देन वॉज रिनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 एंड टुक अप इट्स करेंट नेम 1987 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सबसे पहले इम्पेरियल क्रिकेट ऑफ कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाया गया 1909 में, ठीक है। 1965 में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1987 में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आइए फॉर्मेशन डेट के बारे में बात करते हैं। 15 जून 1909, हेडक्वार्टर दुबई यूएई, चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान क्वाजा सिंगापुर के हैं, सीईओ जॉफ एलाडाइस ऑस्ट्रेलिया के, जनरल मैनेजर वासिम खान, मेंबर 108 कंट्री। अगला क्वेश्चन, द इंडियन पेयर ऑफ डैश वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 इन कायरो। उत्तर होगा रिधम सांगवान एंड उज्ज्वल मलिक, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए ISSF के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ISSF, अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट ISSF के प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमिर लिसिन एंड ल्यूशियानो रोसी। इसके बाद फाउंडेड की अगर बात करें 1907 में फाउंडेड, हेडक्वार्टर की अगर बात करें म्यूनिच जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। एब्रिविएशन ISSF है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। टोटल मेंबर की अगर बात करें, मेंबर 150 रीजन से हैं। सेक्रेटरी की बात करें, विली ग्रिल सेक्रेटरी रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल। तो इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए ISSF से। तो ISSF से अगर क्वेश्चन बने तो इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन इनॉग्रल एडिशन ऑफ द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं, उत्तर होगा नीदरलैंड, ठीक है। अब आइए टूर्नामेंट अवार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किसे क्या मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट नीदरलैंड, इन्होंने जीता है ये टूर्नामेंट। सिल्वर मेडलिस्ट रनर अप इंडिया, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पोलैंड, बेस्ट प्लेयर नूर दिबात नीदरलैंड की रहने वाले हैं, बेस्ट गोलकीपर मार्टा कुचार्स्का पोलैंड, बेस्ट जूनियर प्लेयर दीपिका सोरेंग इंडिया, टॉप स्कोरर टेरेसा वियना उरुग्वे के हैं 19 गोल, वुमेंस चैलेंजर ट्रॉफी विनर यूनाइटेड स्टेट्स, वुमेंस चैलेंजर ट्रॉफी रनर अप नामीबिया। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए, तन्मय अग्रवाल स्कोर्ड द फर्स्ट क्लास ट्रिपल सेंचुरी टेकिंग जस्ट 147 डिलीवरीज अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन रणजी ट्रॉफी 23-24 जो कि हेल्ड है नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद में पड़ता है, और आपसे पूछ रहा है कि वे कौन से टीम से बिलोंग करते हैं या खेलते हैं। ऑप्शन रहेगा सी, हैदराबाद, ठीक है। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, इंडियाज न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। उत्तर रहेगा आपका बी, 28 जनवरी। तो ये रहा आपका
31 जनवरी 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। थैंक यू सो मच।